एवरीवन, इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम बात कर चुके हैं एम्पलीफायर की बाकी दोनों कॉन्फ़िगरेशन, जो कि कॉमन बेस एम्पलीफायर एंड कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। इन दोनों नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक मिल जाएगा, तो ईजिली आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी आज का हमारा टॉपिक है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। अब कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इवन एमिटर फॉलोवर के नाम से इसको ज़्यादा जानते हैं, तो क्यों इसको एमिटर फॉलोवर बोला जाता है, कॉमन कलेक्टर में कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्या क्या इसके लिए रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशंस, क्या क्या इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं, कैसे हम सर्किट डायग्राम बना सकते हैं हमारा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के केस में, कैसा हमारा सर्किट डायग्राम होगा कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के केस में, क्या इसकी वर्किंग होगी, किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, सब कुछ डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है तो नाम से हमें इजीली जज करना आ चुका है कि जो हमारा कॉमन टर्मिनल होगा वो इनपुट एंड आउटपुट के बीच में क्या होगा, ऑब्वियसली कॉमन होगा। अब फिर इसको एमिटर फॉलोवर क्यों कहा जाता है, किसी और को तो किसी और नाम से नहीं जाना जाता, इसी को एमिटर फॉलोवर क्यों? सो व्हाई एमिटर फॉलोवर? एमिटर फॉलोवर इसीलिए बोला जाता है एज इट्स वोल्टेज गेन इज़ वेरी क्लोज टू यूनिटी। एमिटर फॉलोवर या कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर से जो हमें गेन मिलता है, वोल्टेज गेन, वो नियरली यूनिटी के इक्वल होता है। ये वोल्टेज गेन यूनिटी के इक्वल है, इसका मतलब जो आपका इनपुट का वोल्टेज है यानी कि बेस वोल्टेज, वो इक्वली आपको अपीयर होता है कहाँ, लोड में, एज एन आउटपुट वोल्टेज। सो आपकी इनपुट वोल्टेज जो आपकी वी इनपुट है वो नियरली वी आउटपुट के इक्वल होती है, जिसकी वजह से आपका वोल्टेज गेन नियर टू यूनिटी लाई करता है, और इसीलिए इसको बोला जाता है एमिटर फॉलोवर्स, क्योंकि हमारा एमिटर फॉलो कर रहा है इनपुट सिग्नल को एज इट इज़। अब एग्जैक्टली ये कैसे फॉलो करेगा, ये जैसे जैसे हम प्रोसेस आगे करेंगे हमें इजीली समझ आ जाएगा। सो इट इज़ सीसी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, सो कलेक्टर इज़ कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। ये हमें ईजिली पता चल गया, सीसी यानी कि कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। सो जो हमारा फर्स्ट जंक्शन होगा वो क्या होगा, बेस एंड कलेक्टर जंक्शन, जिसको हम इनपुट जंक्शन बोलेंगे, एंड जो हमारा आउटपुट जंक्शन होगा जिसके अक्रॉस लोड कनेक्टेड है, यानी कि एमिटर एंड कलेक्टर जंक्शन के अक्रॉस, वो हमारा क्या होगा, आउटपुट जंक्शन। इसके लिए एक थोड़ा अलग कंडीशन होती है, इनपुट रेजिस्टेंस हाई रखते हैं एंड आउटपुट लो। ऐसा क्यों रखते हैं, इसका एक स्पेशल रीज़न है, वर्किंग में हमें पता चल जाएगा कि इनपुट रेजिस्टेंस हाई रखने से एंड आउटपुट लो रखने से हमें क्या बेनिफिट होगा। सो ये एक मस्ट कंडीशन है कॉमन कलेक्टर के केस में कि आपको इनपुट हाई रखना होता है एंड आउटपुट क्या रखना होता है, लो। सो कोई भी फेज का शिफ्ट नहीं होता इनपुट एंड आउटपुट के वोल्टेज एंड करंट के सोर्स में, जिस भी फेज में आपकी इनपुट होती है सेम उसी फेज में आपको क्या मिल जाती है, आउटपुट मिल जाती है। और वोल्टेज गेन हमने अभी बात की क्या होता है, यूनिटी। और फॉर एसी सिग्नल वीसीसी, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कलेक्टर हमारा ग्राउंड। अब ये कलेक्टर को ग्राउंड क्यों करते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सीसी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यानी कि कॉमन कलेक्टर की, और हम जिस भी टर्मिनल को कॉमन करते हैं उसको हम क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। तो इस बार किसको ग्राउंड करेंगे, कलेक्टर को। सो सर्किट डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके का होगा। ये दो सर्किट डायग्राम क्यों बनाए, दोनों ही इक्वल हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमारा जनरल एमिटर फॉलोवर एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम होता है, जिसमें हमारा एमिटर टर्मिनल से लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एंड जो हमारी इनपुट है वो आपको बेस में मिलती है। बीच में हम दो कपलिंग कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो एम्पलीफायर वो क्या रहे, स्टेबल रहे। और ये हमारी कलेक्टर से कनेक्टेड जो सप्लाई है वीसीसी, एंड आपको एमिटर से क्या मिलेगी, वी आउटपुट, यानी कि आपकी आउटपुट वोल्टेज जो कि लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें मिलती है। अब इस सर्किट को देख के जनरली ये लगता है कि यहाँ पे एमिटर कॉमन है ना कि कलेक्टर। सो इसी चीज़ को, ताकि ये माइंड में इसी बात को क्लियर करने के लिए, हम सेम सर्किट को इन्वर्ट करके बना सकते हैं। इसी सर्किट को हमने इन्वर्ट करके यहाँ पे बनाया है, सेम वही रेजिस्टेंस, वही कपलिंग कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, इनपुट एंड आउटपुट सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो आपका कलेक्टर एंड एमिटर का जो टर्मिनल था वो आपने क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। आपका कलेक्टर नीचे आ चुका है एंड एमिटर टर्मिनल जो है वो ऊपर है, एंड जो हमारा कलेक्टर टर्मिनल है उसको आपने क्या किया है, ग्राउंड किया हुआ है।
अब यहाँ पे ना कनेक्ट करने का मतलब क्या था? क्योंकि जो हमारी VCC है यानी कि कलेक्टर की वोल्टेज, उसको आपने ग्राउंड कर रखा है। इसका मतलब ये जो सप्लाई है ये क्या है, शॉर्ट है। ये सप्लाई शॉर्ट है तो इसका मतलब ये कनेक्टेड ही नहीं है। आप इसको कनेक्ट किससे कर रहे हो? ये तो मतलब गायब है एक तरीके से, इसका तो बीच में कोई रोल ही नहीं है। तो इस वजह से सेम ये सर्किट डायग्राम में हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से एग्जाम में आप कोई भी यूज़ करो, इक्वली एक्सेप्टेबल है दोनों। फिर इसकी वर्किंग किस तरीके से होगी? जब आप इनपुट सिग्नल VI जो कि हम बेस में सप्लाई कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव साइकिल हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्योंकि वही बात है, साइन वेव पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल। फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल जब हमारा इनपुट में जा रहा है तो उसकी वजह से हमें आउटपुट मिलती है VI-VBE। ये क्यों लिखा? क्योंकि आपकी आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, जितनी भी आप इनपुट सप्लाई कर रहे हो बीच में जितना भी लॉस हो रहा है वो। वी आउटपुट, वी नोट आपकी क्या है, आउटपुट वोल्टेज, VI इनपुट एंड VBE जो बेस एंड एमिटर के बीच में आपके वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है उसको। वी नोट इज इक्वल्स टू VI-VBE। VBE बहुत ही स्मॉल वोल्टेज है, बहुत ही नेग्लेक्टेबल, तो जिसकी वजह से ये क्या एक दूसरे के नियरली इक्वल फैक्टर आ जाते हैं। तो इनपुट वोल्टेज आपकी क्या हो जाती है, आउटपुट के इक्वल हो जाती है नियरली, एंड वो भी सेम फेज में, क्योंकि साइन का कोई चेंज नहीं है। अब ये स्मॉल क्यों है? सी स्मॉल इसीलिए है क्योंकि जो आपका इनपुट रेजिस्टेंस है RI वो क्या है, वो काफ़ी हाई है। एंड जो आपकी वोल्टेज हो जाती है वो क्या सप्लाई की जाती है, बहुत ही कम, बहुत ही नेग्लेक्टेबल। फिर जब इनपुट VI का नेगेटिव साइकिल आएगा तब क्या होगा, तब भी सेम वही कंडीशन, V आउटपुट आपकी V इनपुट के नियरली इक्वल होती है, क्योंकि आपका बीच में जो लॉस हो रहा है वोल्टेज का वो बहुत ही नेग्लेक्टेबल है, बहुत स्मॉल है। तो जो आपकी आउटपुट एमिटर वोल्टेज है वो जस्ट फॉलोज द इनपुट एंड हैंस द नेम एमिटर फॉलोवर। स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन में बात की, क्योंकि ये एमिटर को फॉलो करता है इसीलिए इसका नाम एमिटर फॉलोवर है। अब यहाँ पे भी हम देख चुके हैं कि जितने भी इनपुट आप सप्लाई कर रहे हो सेम उसी के इक्विवेलेंट आपको आउटपुट मिल रही है, यानी कि जो आपके एमिटर के आउटपुट वोल्टेज है। अब आउटपुट वोल्टेज तो हमें एमिटर में ही मिल रही है ना, क्योंकि आउटपुट टर्मिनल क्या है, एमिटर, कलेक्टर तो कॉमन है बीच में। तो जो आउटपुट वोल्टेज है एमिटर के अक्रॉस वो जस्ट इनपुट को फॉलो करती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि जो एमिटर है हमारा वो क्या है, एज अ फॉलोवर, तो वो एक फॉलोवर है। फिर बात आती है वोल्टेज गेन की, जिसके हमने पहले भी डिस्कस किया, क्या है वोल्टेज गेन हमारा, यूनिटी। यूनिटी क्यों है? क्योंकि अभी हमने बात की कि आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज आपकी नियरली इक्वल है, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस के साथ। तो हम वोल्टेज गेन कैसे निकालते हैं, जो भी चेंज आता है आपकी आउटपुट वोल्टेज के अंदर अपॉन इनपुट वोल्टेज के अंदर। इन दोनों के अंदर चेंज तो कितना आ रहा है, नेग्लेक्टेबल चेंज आ रहा है, पर क्योंकि आपके जो आउटपुट है वो कहीं ना कहीं VBE, हालांकि ये स्मॉल फैक्टर है, बहुत ही शॉर्ट फैक्टर है, लेकिन ये इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम, एंड इनपुट वोल्टेज हमारी क्या है, ज़्यादा। इसलिए हम आते हैं वोल्टेज गेन जस्ट स्मॉल देन यूनिटी। वैसे जनरली इसको यूनिटी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये जो चेंज है दोनों के बीच में वो बहुत ही कम है, तो इसलिए आप इसको वेरी लेस देन यूनिटी या यूनिटी इक्वली बोल सकते हैं। अब क्योंकि हमने क्या बोला था कि इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो हाई रखते हैं एंड आउटपुट रेजिस्टेंस लो रखते हैं, ये चीज़ इसको क्या बनाती है, एज एन इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग का मतलब है कि आपके सर्किट का जो इनपुट इम्पीडेंस है, यानी कि जो आपका R इनपुट है, जो भी रेजिस्टेंस इनपुट का है, वही आपका इक्वल रेजिस्टेंस आपके लोड के अक्रॉस मिले, यानी कि आपके सर्किट का इनपुट रेजिस्टेंस आपके लोड रेजिस्टेंस के इक्वल जब होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है। जो कि अगर बात की जाए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम यही बोलती है कि जब आपका इनपुट रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए तो आपके सर्किट से मैक्सिमम पावर आप ले सकते हो। तो इसीलिए इस सर्किट के अंदर इनपुट रेजिस्टेंस को हाई रखा जाता है, ताकि ये लोड रेजिस्टेंस के इक्वल वैल्यू रख सके। तो इसके लिए इसको यूज़ करते हैं इम्पीडेंस मैचिंग में, क्योंकि ये इनपुट एंड लोड रेजिस्टेंस को क्या करता है, मैच करता है। एंड जनरली हमारे कॉमन कलेक्टर को बफर स्टेज एम्पलीफायर में भी यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है,
हमारा सर्किट रेजिस्टेंस को ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है एक वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज में। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कि इनपुट रेजिस्टेंस आपका काफ़ी हाई था एंड आउटपुट रेजिस्टेंस आप लो ले रहे थे, लेकिन सिर्फ रेजिस्टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी जो वोल्टेज है वो आपको एज इट इज़ मिल रही है, वोल्टेज का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, सिर्फ रेजिस्टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा। अब चाहे आप फ्रिक्वेंसी कोई भी यूज़ करो, यानी कि इनपुट आप कितनी भी सप्लाई करो वो नियरली आउटपुट के इक्वल ही आएगी, तो इसके लिए एक वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज में इसको एज अ बफर स्टेज एम्पलीफायर हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर।